ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बीसीडी नंबर 3976, क्लैरिफाइड ऑन 15 मई 2022। आज का प्रातः क्लास है 24/10/1965। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 24/10/1965। रिकॉर्ड चला है बचपन की दिन भुला न देना। द रिकॉर्ड प्लेड इज डोंट फॉरगेट योर चाइल्डहुड डेज। आज हंसे कल रुला न देना। टुडे आई लाफ्ड, टुमारो डोंट मेक मी क्राई। ये बेहद कि बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया। द अनलिमिटेड फादर गेव दिस टीचिंग टू चिल्ड्रन और ही कॉशन्ड देम। जबकि राम की संतान बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को फिर भुलाई नहीं देना। When you have become the children of Ram, don't forget this childhood or the ईश्वरीय childhood. ऐसे न हो कि राम के बचपन से हट रावण की तरफ चले जाओ। It shouldn't happen that you forget the period of childhood with Ram and go towards Ravan. फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। Then you will have to repent a lot. ये भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ मधुवन में देखो। You are explained this as well. If you want to see the most foolish people, you can see them here in Madhuban. पढ़ाई को छोड़ देते हैं अथवा बाप का हाथ छोड़ देते हैं। दे लीव द स्टडीज और दे लीव द फादर्स हैंड। तो समझ सकते हैं कि क्या गति होगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट देयर कंडीशन विल बी। यहाँ के महारथी हैं गज। हियर द महारथीज आर एलिफेंट्स। उनको ग्रह रूपी माया खा जाती है। माया इन द फॉर्म ऑफ क्रोकोडाइल गॉबल्स देम अप। ये बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। द फादर एक्सप्लेन्स दिस सिटिंग फेस टू फेस। मीठी मीठी से किरदे बच्चे माया बड़ी दुष्तर है। ओ वेरी स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम माया। ऐसा ना हो कि कहीं बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। इट शुडंट हैपन दैट यू लीव द हैंड ऑफ द अनलिमिटेड फादर। परम पिता परे ते परे रहने वाला पिता है। द सुप्रीम फादर इज द फादर हु स्टेज इन द हाईएस्ट अबोर्ड। पतित पावन है। ही इज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। ऐसे बाप का कब हाथ न छोड़ना। यू शुड नेवर लीव द हैंड ऑफ सच फादर। नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल हैव टू क्राई अ लॉट। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते हैं वो भी हाथ छोड़ देते। इवन वेरी गुड चिल्ड्रन हुम बाबा गिव्स बिग टाइटल्स लीव हिज हैंड। बाबा कोई कोई को जास्ती प्यार भी करते हैं कि कहाँ गिर न पड़े। देर आर सम हुम बाबा लव्स अ लॉट सो दैट दे डोंट फॉल। गाते भी है ना। ऐसा न हो कि माया तुमको घसीट लेवे। इट इज संग एज वेल इजंट इट। इट शुडंट हैपन दैट माया ड्रैग्स यू डाउन। बहुत पछताना पड़ेगा। You will have to repent a lot. वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है। Actually, yours is the real war. वो तो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई। That war is between Hindustan and Pakistan. तुम्हारी फिर और बात है। Your case is different. तुम हो पाकिस्तान और वो है ना पाकिस्तान। You are Pakistan, pure, and they are na Pakistan, meaning impure. Dono bhai bhai tum ho. Both of you are brothers for each other.
अभी तुम ना पाकिस्तान से पाकिस्तान बने हो। Now you have become Pakistan from being na Pakistan. Na Pakistan patit hai na. Na Pakistan means impure, isn't it? To patit sthan ko tum pavan banate ho. So you purify the impure place. Pakistan to yahan hai nahi. Pakistan certainly isn't here. Sari duniya na Pakistan hai. The entire world is na Pakistan. अब नाम करके रखा है पाकिस्तान। Now they have named it Pakistan. परंतु है तो नहीं। But it certainly isn't that. तो सच्ची सच्ची लड़ाई तुम पाकिस्तान की ना पाकिस्तान से है। So the real fight is between you Pakistan and na Pakistan. पावन तो होते ही हैं देवी देवताएं। It is only the deities who are pure. तुम नापाक पतित भारत को पावन बनाए रहे हो। You are making impure Bharat into pure. पाक बनाने के लिए। In order to make it pure. हिंदुस्तान अब ना पाकिस्तान है। Now Hindustan is not Pakistan. सतयुग पाकिस्तान बनता है। The golden age becomes Pakistan. जो नापाक को पाक बनाने की मेहनत करते हैं वो ही पाकिस्तान अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। Those who make efforts to turn impure ones into pure alone will become the masters of Pakistan, that is heaven. तुम भारत की सेवा करते हो ना? You serve Bharat, don't you? हाँ, विघ्नों को भी हटाना होता है। Yes, you have to remove obstacles as well. इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। Your heart shouldn't fail and you shouldn't become lazy in this. और कोई भी बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। You don't have a connection with anything else. दिखना है कि हमने कितने नापाक को पाक बनाया। You should check how many people did I make pure from impure. ये भारत स्वर्ग था ना? This Bharat was heaven, wasn't it? अर्थात पावन स्थान, पावन दुनिया थी। It means it was a pure place, a pure world. पाकिस्तान ना पाकिस्तान का किसको भी ज्ञान नहीं है। No one knows about Pakistan and na Pakistan. Pakistan to hai satyug nayi duniya. The golden age, the new world alone is Pakistan. Fir purani duniya hone se na paak patit tamo pradhan ban padti hai. Then when the world becomes old, it becomes na paak, impure and tamo pradhan. तो रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को सनमों को समझाते हैं। So the spiritual father explains to the spiritual children sitting face to face with them. तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर हम पवित्र से पवित्र स्थान बनाए रहे हैं। It is in your intellect. Certainly, we are making a pure land. पवित्र स्थान भारत था। Bharat was a pure land. अभी आप पवित्र स्थान बना है। Now it has become an impure land. मकान नया होता है, फिर पुराना जरूर बनेगा। First the house is new, then it will certainly become old. जो new है, so old बनता है। Whatever is new becomes old. ये समझ है नई दुनिया में नहीं रहती। You don't have this knowledge in the new world. अभी तुमको समझाया जाता है। You are explained that now. बल्ब लाखों वर्ष आयु कहते हैं तो भी आखिरी पुराना तो होना है ना? Though they say that the duration of the world is lakhs of years, finally it has to become old, doesn't it? पुराना नाम ही कलयुग का है। The iron age itself is called old.
नव युग और पुराना युग, द न्यू एज एंड द ओल्ड एज। तुम जानते हो अभी नवयुग अर्थात सतयुग आ रहा है। यू नो द न्यू एज दैट इज द गोल्डन एज इज गोइंग टू अराइव नाउ। हम फिर से ये बाप से नॉलेज ले रहे हैं। वी आर अगेन टेकिंग दिस नॉलेज फ्रॉम द फादर। पवित्र बनो स्वराज्य पाने के लिए। बिकम प्योर टू ऑब्टेन द सेल्फ सॉवरेंटी। ये बुद्धि में है ना। यू हैव इट इन योर इंटेलेक्ट डोंट यू। स्टूडेंट कब टीचर की पढ़ाई को भूल सकते हैं क्या? कैन स्टूडेंट्स एवर फॉरगेट द नॉलेज टॉट बाय द टीचर? कब नहीं भूलेंगे। दे विल नेवर फॉरगेट इट। तुम भी स्टूडेंट हो ना। यू आर ऑल्सो स्टूडेंट्स aren't यू। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ रहे हैं? It is in your intellect. We are studying even while staying in the household. इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है। The study requires a lot of time. बीच में कोई गिर पड़ते हैं, कोई हरा लेते हैं। Some fall and some are defeated in the middle. मुख से कहते अथवा लिखते भी है शिव बाबा क्या राफ ब्रह्मा। They even say it through the mouth or write, Shiv Baba, care of Brahma. बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखती। They write a letter very lovingly to the father. हम जीव की आत्मा परमपिता परमात्मा को पत्र लिखती। The soul of me, a human being, writes letter to the supreme father, supreme soul. बाप पुकार रहती है, हे परमात्मा रक्षा करो शांति दो। There they call, O Supreme Soul, protect us, give us peace. सिवाय बाप के कोई शांति दे भी न सके। No one except the father can give us peace either. और बाप को आना ही है। The father has to come. भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है। He is also famous as the protector of the devotees. कहती है जीवन मुक्ति दो व शांति दो हमको मुक्त करो। They say, give us liberation in life, give us peace and liberate us. हम जीते जी मुक्त हो जावे। We should be liberated while being alive. तो सतयुग में ही होता है। That happens only in the golden age. यहाँ तो जीवन बंद है। In fact, here you are bound in life. इन बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। It is you children who understand these concepts now. बाप समझाएगी? The father is explaining it. और कोई की बुद्धि में ये ड्रामा का राज नहीं है। The secret of the drama isn't in anyone's intellect. तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। No one knows the three aspects of time, the beginning, middle and end. बच्चे तो सब कुछ जानते हो। You children know everything. परंतु हो कितने साधारण और कितने गुप्त। But how simple and hidden you are. वो लोग बाहर में जाकर के जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं, सीखते हैं। They go out and perform physical drill etc. They learn it. तुम्हारी drill है ही रूहानी। Your drill is certainly spiritual. कोई को पता नहीं है कि ये कोई warriors है। No one knows that you are warriors. 24 अक्टूबर 1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। Second page of the morning class dated 24th October 1965. वॉरियर्स हैं लड़ाने करने वाले। दे आर वॉरियर्स हु फाइट। महाभारत की लड़ाई दिखाई है ना। द वॉर ऑफ महाभारत हैज बीन शोन हैजंट इट। वो कैसे हुई? हाउ डिड इट टेक प्लेस? महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई ऐसे कहते। दे से दैट गॉड वेज्ड द महाभारत वॉर।
भगवान हिंसक युद्ध कैसे करावेंगे? Now, how will God wage a violent war? भगवान तो युद्ध सिखलाते हैं माया पर जीत पहनाने का. In fact, God teaches the war of gaining victory over Maya. समझाते हैं. तुम तो 16 कला संपूर्ण देवता थे. He explains, you were deities complete with 16 celestial degrees. तुम मूल वतन से नंगे आए थे. You came naked from the supreme abode. फिर यहाँ चोला धारण करके पहले सतयुग में राज्य किया. Then here, first of all, you ruled in the golden age after taking on a body. इस स्मृति में आता है ना? कहते हैं ना, हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है. You have that awareness, don't you? You say, don't you? Yes, Baba, it is now that I have gained this awareness. बरोबर, हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हराए लिया. We were no doubt the masters of the divine kingdom. Then we were defeated. अब स्मृति आ गई है. Now we have regained the awareness. अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं. Now we are standing in the battlefield. माया पर जीत जरूर पहनेंगे. We will definitely gain victory over Maya. बरोबर, कामचिता पर चढ़ने से मनुष्य का काला मुंह हो जाता है. Certainly, a person's face becomes black because of climbing the pyre of lust. ये काला मुंह अक्षर थोड़ा कड़ा है. This word black face is quite rude. इसलिए सांवरा कहा जाता है. This is why the word dark, सांवरा is used. कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना? Krishna is shown dark, isn't he? कृष्ण को अथवा नारायण आदि को सांवरा रंग देते हैं. Krishna और नारायण and so on are shown dark complexioned. ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है. There is no such human being in reality. मनुष्य तो काले होते हैं. In fact, the human beings are black. जैसे अफ्रीकन काले हैं. For example, these Africans are black. परंतु ये सांवरा अक्षर रॉयल अक्षर है. But सांवरा is a royal word. गोरा और सांवरा. गोरा, फेर एंड सांवरा. आयरन एज को सांवरा ही कहेंगे. द आयरन एज विल सर्टेनली बी कॉल्ड डार्क. लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तुमने काला मुंह करके कुल को कलंक लगाया है. द लौकिक फादर्स ऑल्सो से यू हैव ब्लैकेंड योर फेस एंड डिसग्रेस्ड द क्लैन. वेद का बाप भी कहते हैं, तुम आसुरी मत पर चल कर दैवी कुल को कलंकित किया. The unlimited father also says, you have disgraced the divine clan because of following the demonic opinion. इसलिए तुम सांवरे बन गए हो. This is why you have become dark. पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता है. It takes half a cycle to become completely dark. और गोरा बनने में एक सेकंड लगता है. And it takes a second to become fair. बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की अब स्मृति आई है. It is now that children have gained the awareness of the beginning, middle and the end of the drama. और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती. The people of other religions can't gain that awareness. विस्मृति भी तुम बच्चों को हुई है. It is you children who have forgotten it. फिर स्मृति भी तुमको आती है. Then it is you alone who gain the awareness as well. तुम दैवी स्वराज्य के मालिक थे. You were the masters of the divine sovereignty. कितने ढेर राजाएं थे. There were so many kings. इसलिए नाम ही राजस्थान रखा है. This is why the very name given is Rajasthan. Literally means the place of the kings. अभी तो ये पंचायती राज्य है.
Now there is the Panchayati Rajya, meaning rule of the five elected representatives. अभी तुम पुरुषार्थ करके एम्परर अथवा एम्प्रेस ऑफ वर्ल्ड बन रही हो, वहां तो महाराजा महारानी ही कहते हैं। Now you are becoming world emperor and world empress after making purushart. You are just called king and queen there. और कोई अक्षर है ही नहीं। There is no other title at all. तुम सारे वर्ल्ड की मालिक बनते हो। You become the masters of the entire world. अभी पंचायती राज्य है। Now there is the पंचायती राज्य। तुम समझते हो ड्रामा अपने अनुसार ऐसे ही होना है। You understand that this has to happen according to the drama plan. स्वर्ग फिर चक्कर लगाकर नरक बनता है। Heaven turns into hell after a cycle completes. अभी तुम ना पाकिस्तान से पाकिस्तान में जाकर राज्य करने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। Now you are making purusharth to go to Pakistan from Na Pakistan and to rule there. तुम्हारी पढ़ाई तो बड़ी सिंपल है। Your knowledge is very simple. अलफ और बे को याद करना है। You should remember अलफ and बे। बस अक्षर ही दो हैं। There are only two words. वेद का बाप खुद कहते हैं बच्चे माँ मेरी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। The unlimited father himself says, children, remember me alone, so your wrong actions will be destroyed. राजाई को याद करो तो राजाई जरूर मिलेगी। Remember the kingship, so you will definitely attain it. ये याद करते रहो। Keep remembering it. कहते हैं मैं भैंस हूँ, वो बात यहाँ नहीं है। They say, I am a buffalo. That isn't the case here. तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे। You souls say, we will become Vishnu. कैसे विष्णु बनेंगे वो भी बतलाते हैं। He also explains how you will become Vishnu. मुझे याद करो और विष्णुपुरी अथवा राजधानी को याद करो। Remember me and the Vishnupuri or the capital. प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। The name of Vishnu is mentioned because of the household path. विष्णु की राजधानी। The capital of Vishnu. वहां भी लक्ष्मी नारायण के तखत के पिछाड़ी विष्णु का चित्र की निशानी रहती है। There is the sign of the picture of Vishnu behind the throne of Lakshmi Narayan there as well. चित्रों में भी ऐसे बनाते हैं। They picturize it in pictures too. बाबा ने राज समझाया है। Baba has explained the secret. ऐसे ऐसे वहाँ की रस्म रिवाज है। This is the tradition there. लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते हैं तो विष्णु का चित्र तखत के पिछाड़ी रहता है। When Lakshmi Narayan ruled, there was the picture of Vishnu behind their throne. बोली लक्ष्मी नारायण चक्कर लगाए आकर के ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगदम्बा बनते। Then the same Lakshmi Narayan come after completing the cycle and become Brahma Saraswati or Jagat Pita Jagdamba. ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि की स्थापना होती है। It is through Brahma that the entire world is created. इसलिए great great grandfather ब्रह्मा को कहते हैं। This is why Brahma is called the great great grandfather. शिव को तो सिर्फ फादर ही कहेंगे। शिव विल जस्ट बी कॉल्ड द फादर। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। ऑल द सोल्स आर ब्रदर्स। और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो मनुष्य बनता है। एंड इट इज अ ह्यूमन बीइंग हु बिकम्स द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इसलिए ब्रह्मा को ही कहा जाता है। दिस इज व्हाई ब्रह्मा अलोन इज कॉल्ड दैट। परमात्मा के तो तुम सभी बच्चे ही हो। As such, all of you are the children of the supreme soul. सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी हो।
यू वेर सोल कॉन्शियस इन द गोल्डन एज. इस समय देह अभिमानी हो. यू आर बॉडी कॉन्शियस एट प्रेजेंट. अब फिर देह अभिमान को निकाल, आत्माभिमानी बनना है. नाउ यू हैव टू रिमूव बॉडी कॉन्शियसनेस एंड बिकम सोल कॉन्शियस. आत्माभिमानी बाप परम पिता ही बनाते हैं. इट इज द फादर, द सुप्रीम फादर अलोन हु मेक्स यू सोल कॉन्शियस. यहाँ तुम बच्चों को डबल नॉलेज है. हियर यू चिल्ड्रन हैव डबल नॉलेज. आत्माभिमानी बनते हो. यू बिकम सोल कॉन्शियस. फिर बाप को भी याद करते हो. देन यू ऑल्सो रिमेम्बर द फादर. क्यों से वर्षा लेना है? इट इज बिकॉज यू हैव टू टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम हिम. देवताओं ने तो पास जन्म में पुरुषार्थ करके वर्षा पा लिया. द डीटीज हैव रिसीव्ड द इनहेरिटेंस आफ्टर मेकिंग पुरुषार्थ इन देयर प्रीवियस बर्थ. फिर उनको याद करने की दरकार नहीं रहती. देन देयर इज नो नीड फॉर देम टू रिमेम्बर द फादर. तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है. सो द चिल्ड्रन शुड असिमिलेट न्यू पॉइंट्स इन द इंटेलेक्ट. युक्तियां तो बहुत मिलती रहती है. यू कीप कमिंग अप विथ मेनी टैक्टिक्स. पहले पहले बुद्धि में ये बात बिठाओ कि ऊंचे से ऊंचे कौन सा स्थान है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट सिट इन देयर इंटेलेक्ट व्हिच इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई प्लेस. कहेंगे निर्माण धाम. हम आत्माएं निर्वाण धाम की निवासी हैं. इट विल बी सेड दैट इट इज निर्वाण धाम. वी सोल्स आर द रेजिडेंट्स ऑफ निर्वाण धाम. परमपिता परमात्मा है ऊंचे ऊंचे. द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई. उनका स्थान भी ऊंचे. हिज प्लेस इज ऑल्सो हाई. ऊंचे से ऊंचा नाम है. ऊंचे से उनकी महिमा है. हिज नेम एज वेल एज हिज ग्लोरी इज द हाईएस्ट. और वो आया भी भारत में है. एंड ही हैज कम इन भारत. तब तो यहाँ यादगार बना है ना. इट इज देन दैट द यादगार हैज बीन मेड हियर हैजंट इट. जिसका कोई नाम रूप ही नहीं वो चीज कहां से आवेगी जो उनको पूजेंगे. Something that doesn't have any name and form at all, where will it come from so that they worship it? Om Shanti. Om Shanti.